मित्रों, हमें इन नौ व्यक्ति की बात को मान लेना चाहिए। श्री रामचरितमानस के अनुसार जब सीता का हरण करने के लिए रावण मारीच के पास पहुंचा और कहा कि तुम छल कपट करने वाले स्वर्ण मृग बनो ताकि मैं सीता का हरण कर सकूं, तब मारीच ने रावण को समझाया कि वह श्री राम से बैर न करे। मारीच की बातें सुनकर रावण क्रोधित हो गया एवं खुद के बल और शक्तियों का घमंड करने लगा। तब मारीच को समझ आ गया कि सीता हरण के लिए उसकी मदद करने में ही भलाई है। रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं श्री राम के हाथ मरूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। इस पर गोस्वामी जी ने अरण्यकांड में लिखा है कि तब मारीच हृदय अनुमाना अन्न वही विरोधे नहीं कल्याणा अशस्त्री मरमी अप्रभु सठ धनी अवैद बंदी कवि भानस गुनी। इस दोहे में मारीच की सोच बताई गई है कि हमें किन लोगों की बातों को तुरंत मान लेना चाहिए, अन्यथा प्राणों का संकट खड़ा हो सकता है। इस दोहे के अनुसार शस्त्रधारी हमारे राज जानने वाले समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान व्यक्ति, वैद भाट कवि और रसोईया, इन लोगों की बात तुरंत मान लेनी चाहिए। इनसे कभी विरोध नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारे प्राण संकट में आ सकते हैं। तो बोलिए जय सियाराम, जय जय सियाराम।